हिमाचल वाली मत मेरी मारी हिमाचल। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा एग्ज़ाम और मौसम बहुत ख़राब है क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मौसम के साथ ही बहुत बुरी हाल है मौसम के और बहुत ठंड लग रही है। हाथ तो पूरे कांप गए हैं। दिखाती हूँ आपको मौसम कितना ख़राब है। ये इतनी बर्फ़ गिर रही है और हमारा एग्ज़ाम 10 बजे से है। अब पता नहीं बस आएंगी कि नहीं आएंगी, और जब तक हम वापस आएंगे तब तक तो बसेस भी आई थिंक बंद हो जाएंगी। बहुत बुरे हाल है अभी, इतनी ठंड लग रही है, पाँव भी जम गए हैं। तो एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी है। मोटी मोटी बर्फ़ गिर रही है अभी और हम घर से निकल गए और बस में बैठ गए, और बस भी आज आधा घंटा लेट है ठंड की वजह से, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही थी। तो पहले तो हमने सोचा कि बस नहीं आएंगी, फिर फाइनली बस आ गई और बस तो पूरी ही खाली थी ठंड की वजह से, आज कोई भी नहीं आया है। और फाइनली आधे घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं ट्यूब, और मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि बारिश भी हो रही है और साथ में बर्फ़ भी हो रही है। तो जो बर्फ़ नीचे गिरी है वो साथ साथ में पिघल भी रही है, तो नीचे तो बहुत फिसलन हो रखी है सड़क में, इसलिए हम आराम आराम से चल रहे थे। और थोड़ी देर में, मतलब यहाँ से पाँच मिनट की दूरी पे है हमारा सेंटर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठियोग, वहाँ पे हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है। तो मैं, मेरी दीदी और एक और गर्ल है हमारे साथ, हम जा रहे हैं। और अभी जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड के पास, ये सामने ये है उसकी बिल्डिंग, क्योंकि मेरे गांव में कैफ़े बंद था तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ यार मेरा रोल नंबर निकाल दियो, तो उसने मेरा रोल नंबर निकाल के रखा है प्रिंट आउट। तो मैं अभी उसको बुलाती हूँ नीचे। मैंने रोल नंबर ले लिया अपनी फ्रेंड से, वो तो बेचारी सोई थी इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही। बस हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, और आप ही जो रोड की हाल देख रहे हो, बहुत फिसलन है, बिल्कुल आराम से चलना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्नोफॉल भी हो रही है साथ साथ में और बारिश भी हो रही है। दीदी तो हमारे को बिल्कुल शॉर्टकट रास्ते से लेके आए हैं, पर जो बेचारे जिनको शॉर्टकट पता नहीं था वो बेचारे इसी रास्ते से आ रहे हैं और बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं। कई तो बेचारे अभी बहुत पीछे हैं हमारे से। बस हम तो अब पहुँच गए हैं, अब गेट क्रॉस करके अंदर जाएंगे, फिर अपना अपना रोल नंबर चेक करके फिर अपने अपनी सीट पे बैठ के फिर एग्ज़ाम देंगे। और यहाँ पे हमारा सब कुछ सबमिट हो जाएगा, फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा, तो मिलते हैं अब एग्ज़ाम के बाद। और फाइनली 2.5 घंटे के बाद हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब हमें उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। शुक्र है, मतलब कि सुबह ही स्नोफॉल रुक गई थी, उसके बाद स्नोफॉल नहीं हुई, नहीं तो रास्ता और भी ख़राब हो जाता। आप देख रहे हो सारे बच्चे चल पड़े हैं, सब चल रहे हैं आराम आराम से क्योंकि रास्ता बहुत फिसलने वाला है। और इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, हाथ तो पूरे जाम हो चुके हैं। फिर अब जाएंगे फ्रेंड के घर, फिर हाथ सेक के फिर देखते हैं, फिर कुछ सामान लेके फिर घर की तरफ चलते हैं। हाँ, 1 घंटे से हम बस के लिए खड़े थे, फिर गांव के एक भैया आ गए, उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी, फिर हम उन्हीं के साथ घर आ गए क्योंकि बस तो आ ही नहीं रही थी। फिर हमने सोचा कि भैया के साथ ही निकल पड़ते घर। ये फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। तो मैंने सोचा था कि आते टाइम मौसम बहुत ख़राब होगा, हल्के हल्के बादल तो है अभी, पर मैंने सोचा था कि आते टाइम मौसम बहुत ख़राब होगा, बस भी नहीं आएगी। बस तो वैसे भी नहीं आई क्योंकि मौसम तो साफ भी होगा था, फिर भी बस नहीं आई। बट फाइनली आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ बता दिया करो, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।